नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस थेरेपी के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप और हम सभी हिंदुस्तानी मन ही मन ये सोचते हैं कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बने, हमारे आर्म्ड फोर्स में लगभग हर एक चीज इंडिजिनियसली डेवलप्ड हो। मगर हमें दुख होता है तब जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्वदेशी विकल्प मौजूद होने के बावजूद भी हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स अदर कंट्रीज से परचेज करते हैं, जबकि हमारे स्वदेशी इक्विपमेंट उन इक्विपमेंट्स के टक्कर में ज्यादा बेहतर होते हैं। मगर तब भी बाहर के डिफेंस इक्विपमेंट्स को अपने सेना में ज्यादा नंबर में शामिल किया जाता है। हमारे मौजूदा गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर पिछले साल से ही काम कर रहे थे। पिछले साल से ही डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर 3-4 नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट बनाया गया, मगर वो भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इनमें सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के ही नाम थे, कोई भी बड़ा इक्विपमेंट इस लिस्ट में नहीं था। मगर कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए ये बताया था कि अब इस नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को और भी बढ़ाया जाएगा और इस लिस्ट में बड़े बड़े इक्विपमेंट्स का नाम भी ऐड किया जाएगा। तो आज इस लिस्ट के ऊपर से कुछ अनऑफिशियल न्यूज निकल कर सामने आए हैं, जिसमें हाईलाइट के तौर पे देखा गया है कि इगला शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, कामोब KA-226 हेलीकॉप्टर, एथोस गन और लाइट टैंक के टेंडर को स्क्रैप होते हुए। पहले ही आपको बता दें कि ये कोई कंफर्म्ड लिस्ट या न्यूज नहीं है, कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को जारी किया गया है, जिसमें 3 पैरामीटर्स है IDDM यानी इंडियन डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर, जिसका मतलब है जो चीज इंडिया में ही डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर किया जाता है। सेकेंड नंबर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें डिजाइन दूसरे देश की होगी मगर मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा। और तीसरे नंबर पर है डिफेंस इंपोर्ट, इस पैरामीटर में इन इक्विपमेंट्स को डायरेक्ट बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए इन जो 4 हाईलाइट इक्विपमेंट्स की बात आगे किए थे उनके स्वदेशी विकल्प क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। इगला शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के कंपेयर में हमारे पास है DRDO के द्वारा डेवलप्ड विशोरद, जो एक मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इगला को रशिया से इंपोर्ट किया जाता था और ये हमारे आर्मी में 1980 से सर्विस दे रहा है, मगर अब ये एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंट टाइम के यूज के लिए उतना भी सुइटेबल नहीं है। वही अगर विशोरद की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और भी काफी सारे एडवांस चीजों को इंटीग्रेट किया गया है। इसका इफेक्टिव रेंज है 24 किलोमीटर और वेट लेस देन 7.5 किलोग्राम है। ये डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और स्टील्ड UCAVs को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। कामोब KA-226 की जगह पे हमारे पास मौजूद है LUH, ये दोनों ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। LUH को मैन्युफैक्चर करता है HAL, इंडियन आर्म्ड फोर्स इसका 12 यूनिट का ऑर्डर भी दे रखा है। हमारे LUH का मैक्सिमम टेकऑफ वेट है 3150 किलोग्राम, वही कामोब का इंटरनली 1050 किलोग्राम और एक्सटर्नली 1100 किलोग्राम। LUH और कामोब दोनों का ही मैक्सिमम स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। LUH की रेंज है 500 किलोमीटर तो वही कामोब का 600 किलोमीटर। LUH की सर्विस सीलिंग है 6500 मीटर तो वही कामोब का 6200 मीटर। लगभग हर एक मामलों में LUH कामोब से बेहतर है रेंज के सिवा। इंडियन आर्म्ड फोर्स को सबसे ज्यादा चर्चे के घेरे में तब लाया गया था जब हमारे पास अटैक्स और धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम होते हुए भी एथोस गन का ऑर्डर दे रहा था। आइए ये दोनों अटैक्स और धनुष गन को थोड़ा सा जान लेते हैं। अटैक्स का वेट है 18 टन्स, बैरल लेंथ 8060 मिलीमीटर और कैलिबर यूज हुआ है 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर वाला। इसकी रेट ऑफ फायर को देखें तो ब्रश्ड 3 राउंड्स इन 15 सेकंड, इंटेंस 15 राउंड्स इन 3 मिनट और सस्टेंड 60 राउंड इन 60 मिनट। इसका इफेक्टिव रेंज है 48.074 किलोमीटर और मैक्सिमम फायरिंग रेंज है 52.074 किलोमीटर। ये गन इसी फायरिंग रेंज के साथ दुनिया के सबसे दूरी तक मार करने वाला गन सिस्टम भी है। आगे धनुष की बात करें तो इसे डेवलप किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये भी 155 मिलीमीटर कैलिबर वाला गन है। रेट ऑफ फायर को देखें तो ब्रश्ड 3 राउंड्स इन 15 सेकंड, इंटेंस 15 राउंड्स इन 3 मिनट और सस्टेंड 60 राउंड इन 60 मिनट। मैक्सिमम रेंज है 38 किलोमीटर और इसका मास है 3000 किलोग्राम। चौथे नंबर पे जो लाइट वेट टैंक है, इसका कोई भी स्वदेशी विकल्प अभी तक मौजूद नहीं है, मगर जल्द ही इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। अभी ये देखा जा रहा है कि इंडिया में कोई डिजाइन लाइट टैंक का मौजूद है क्या, या फिर दूसरे देशों की मदद भी इस मामले में लिया जा सकता है। आप अगर इंडिया के अटैक्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे अगर इस लिस्ट से कोई न्यूज निकलकर सामने आता है तो मैं आपको अपडेट वीडियो दे दूंगा इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।